मेरे पेशेंट हम अक्सर पूछते रहते हैं मुझे कि भाई हम तो शुगर खाते नहीं हैं, स्वीट्स खाते नहीं हैं, तो फिर डायबिटीज़ हमें कैसे हो गया? तो आज मैं आपको खास बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा शक्कर खाने से ही होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा चीनी खा रहे हैं और उसके कारण उनको डायबिटीज़ हो जाता है, लेकिन हर एक केसेस में ऐसा नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे पहला एक कारण है जो आप अनहेल्दी फैट्स यानी कि जो ऑयल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या ज़्यादा फ्राइड खाना खाते हैं। आपका अगर वज़न ज़्यादा है, आपके फैमिली में डायबिटीज़ है, तो आपको इस कारण से डायबिटीज़ हो सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फैट खाएंगे, जैसे समोसे खा लिए, बटाटे वड़े खा लिए, चिवड़ा वगैरह खा लिया, तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। अगर हो गया है तो और भी आगे बढ़ेगा। तो अब तक किसी ने हमें ये नहीं बताया कि शक्कर खाने से ही डायबिटीज़ होता है। ये सब फैट वाली जो फ्राइड चीज़ें वो हम आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे समझते हैं कि उसमें शक्कर है ही नहीं, तो क्यों ना खाया जाए। तो मैं देखती हूँ बहुत सारे डायबिटीज़ जो पेशेंट है वो फ्राइड खाना ज़रूर खाते हैं। बोलते हैं अगर इस सब मीठा खाना तो छोड़ दिया तो एटलीस्ट ये वाला तो खाए ना, कुछ तो अपने जीवन में रखे एंजॉयमेंट करने के लिए, तो वो ये खाते ही रहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि इसके कारण डायबिटीज़ बहुत आगे बढ़ जाता है।